आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप पिवट टेबल का हमारा अगला टॉपिक। और ये पिवट टेबल के टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ ये 2013, 16 एंड 19 का पार्ट है। तो जो इससे लोअर वर्जन यूज कर रहे हैं उनको ये पिवट भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हालांकि ये फैसिलिटी जो रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं वो पहले हम लोग एमएस एक्सेस पे यूज करते थे और एमएस एक्सेस की मदद से हम एक्सेल पे लेके आते थे। तो रिलेशनशिप का टॉपिक है, चलिए हम करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास एक डेटा है जो कि सेल्स का डेटा है। तो फिर डेटा को समझिए क्योंकि तो डेटा जैसे समझेंगे उसी तरह से आप इसका यूज कर पाएंगे। तो एक सेल्स का डेटा है जो कि आपके सामने दिख रहा है और सेल्स में आपका सेल्स की आईडी है जो कि एक यूनिक नंबर है। एक आपका डेट है, सीआईडी है, पीआईडी है, सीआईडी मतलब कि कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन है और पीआईडी मतलब आपका प्रोडक्ट का कोड है और क्वांटिटी। तो इसी पे देखिए इसमें कस्टमर की पूरी डिटेल्स नहीं है ना प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ कि प्रोडक्ट की डिटेल्स को अलग एक सीट में रखा गया, इसको डेटा सिंपलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या है कि हमने कोड दे दिया क्योंकि इसमें देखेंगे एक एक कस्टमर एक प्रोडक्ट आईडी कई कई बार रिपीटेड है, उतना बार एंट्री ना करके उसकी कोड को दे दिया और उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने कहीं और कर दिया तो उससे आपका डेटा का साइज छोटा हो जाता है। अब देखिए डेटा का साइज अगर हम ऐसा नहीं करते तो डेटा का साइज कुछ इस तरह से होता है, मतलब कि कुछ इस तरह का साइज होता है, समझे। इसलिए छोटा किया गया। फिर उसी तरह से प्रोडक्ट की जो साइज है वो प्रोडक्ट की साइज को लिया गया और यहां पे प्रोडक्ट कर दिया। तो अब इसमें हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेरे पास सर इसमें आपने डुप्लीकेसी रिमूव करा राइट। हाँ नहीं डुप्लीकेसी नहीं, देखिए क्या है कि यहाँ आप जिस देख रहे हैं तो हमने सेल्स में सिर्फ कस्टमर की आईडी दे रखी है, एक यूनिक आईडी दे रखी है जो कई बार रिपीटेड है, राइट सर। इसकी बाकी डिटेल्स नेम एड्रेस वगैरह जो बाकी डिटेल्स होती है वो बाकी डिटेल्स हमने नहीं दिया हुआ है। हमने बाकी डिटेल्स की एक सीट है कस्टमर, एक कस्टमर एक ही बार है वहां पे उसका पूरा डिटेल है, समझे। क्योंकि ज्यादातर डेटाबेसिस में होता है, समझे। और ऐसे ऐसे मेरे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की आईडी है बट प्रोडक्ट का ऐसे कि एमआरपी नेम वगैरह जो है हमारा दूसरे शीट में, प्रोडक्ट वाले शीट में, समझ गए। तो मुझे पिवट लगाना है तो हमें प्रोडक्ट को भी लेना है, सिटी को भी लेना है, तो कई सारे एंगल से हमें इसकी पिवट टेबल निकालनी है। तो मतलब कि मुझे डेटा कुछ इस तरह से चाहिए होता, इस तरह से हमारे सामने, हाँ मुझे इस तरह से चाहिए इकट्ठा कि यहां पे सीआईडी आ गया तो सीआईडी का आईडी का उसका नेम उसका सिटी, प्रोडक्ट आ गया तो प्रोडक्ट का नेम उसकी एमआरपी, समझे। लेकिन हमारे डेटा में नहीं है ऐसा। तो अगर मुझे पिवट लगाना हो तो मैनुअल तरीके से जाए तो मुझे इसको यहां से वी लुकअप लगाना होगा, वी लुकअप, और हम लेंगे कि भाई कस्टमर की आईडी को मैच करे यहां पे कॉमा थ्री टू टू कॉमा जीरो, फिर उसका नेम ले किया, ऐसे ही बाकी कॉलम के लिए करेगा। तो तीन चार कॉलम चलो आप वीलुकअप लगा लोगे या फिर वन टाइम का डेटा है तो वीलुकअप लगाओगे, डेटा रिपीटेड हो रहा है, डेटा आपका अपडेट हो रहा है तो हर बार आपको वीलुकअप लगाना पड़ेगा। बहुत सारा कॉलम है तो काफी टाइम लग जाएगा और दूसरा ये पिवट का पार्ट नहीं होगा,
हम चाहते हैं ये पिवट का पार्ट जो है, समझे? तो हम पिवट के अंदर ही करना चाहते हैं। समझ में आप लोगों को मैं क्या करना चाह रहा हूं? ये पिवट का पार्ट नहीं होगा, ये क्या मतलब है? मतलब कि अगर हम वी लुकअप लगाएंगे तो पिवट का पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन हम ऐसा करना चाहते हैं जो पिवट के अंदर ही हो। हम अपनी रिपोर्ट्स कस्टमर वाइज भी निकाल सके, हम सिटी वाइज भी निकाल सके, हम अपना रिपोर्ट प्रोडक्ट वाइज भी निकाल सके, तीनों आपस में ज्वाइन हो जाए। अगर पिवट में थ्री करूं तो ऑटोमेटिक वो थ्री से रिलेटेड जो हमारा ये है नेम है कविता लखनऊ का रिटेल ले ले, समझे? आगे बढ़े। यस सर। तो इसके लिए हम रिलेशनशिप का यूज करेंगे। तो रिलेशनशिप कहाँ मिलेगा? रिलेशनशिप से पहले हमें आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। एक मिनट। तो यहां पे हम सबसे पहले अपने डेटा को लेंगे, मैं दो टेबल के बीच में करते हैं, फिर इंसर्ट पिवट टेबल। पिवट टेबल इंसर्ट करते समय हमें यहां ऐड डेटा, दिस डेटा मॉडल आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। ऐड डेटा, ऐड दिस डेटा टू टोटल डेटा मॉडल, नॉर्मली जो बताते हैं बेसिक रूप से। उसके बाद एक मिनट, इतना टाइम लेगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद हम कस्टमर दूसरे टेबल के साथ लिंक करना है उसको भी सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पिवट टेबल, और यहां पे ऐड दिस डेटा टू पिवट डेटा मॉडल में क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, अब दोनों का पिवट टेबल लग गया। अब किसी एक पिवट, आप देखिएगा यहां रिलेशनशिप एक्टिवेट हो गया, इससे पहले हमारा रिलेशनशिप एक्टिवेट नहीं। अब देखिए हमारा रिलेशन सबसे पहला, हमारा रिलेशनशिप आपका एक्टिवेट हो गया है। सर सर, हाँ, ये जो पिवट बना है ये दो पिवट बना है या एक ही पिवट बना है? हमने दो बनाया, हमने पहला बनाया यहाँ पे और दूसरा, क्योंकि हमें इस डेटा जो हमने लिया है ना उस डेटा को डेटा मॉडल में ऐड करना है। तो डेटा मॉडल ओके, अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है, बेसिकली दो पिवट जिन दो लोगों के बीच में आपको रिलेशन करना है उसको आपको ऐड करना होगा डेटा मॉडल में। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि ऑल पे आते हैं। अब देखिए आपको डेटा मॉडल में ऐड होने से क्या होगा कि दोनों टेबल का लिस्ट यहां आपको दिख गया, लेकिन दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है।
तो अभी अगर मैं मान लीजिए कि अभी मैंने यहाँ पे अगर क्वांटिटी रख दिया तो यार टोटल दिख रहा, लेकिन जैसे यहाँ पे मैं सिटी रखूंगा यहाँ दिख रहा आपको रिलेशनशिप बिटवीन में भी नीडेड, और यहाँ पे देखिए सबको एक ही लिस्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने पिवट टेबल में रिलेशनशिप नहीं किया है, तो इसमें ऑटो डिटेक्टेड था और क्लिक कर देता तो ऑटोमेटिकली दोनों रिलेट कर देता फील्ड को देखते हुए, दोनों का नाम अगर सेम हुआ तो फील्ड का, जैसे कि सीआईडी और सीआईडी, लेकिन हमारा टेबल में दिक्कत है कस्टमर आईडी है तो ये लिंक नहीं करता। तो अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप हमारा एक्टिवेटेड है, हम यहाँ पे रिलेशनशिप पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ हम बोलेंगे कि रेंज, जैसे हमने सेल्स को ऐड किया था सेल्स यहाँ पे रेंज बन गया, और हमने कस्टमर ऐड किया था वो हो गया रेंज वन, तो हमने बोला रेंज की सी आई डी रेंज वन की आईडी है। और एक चीज कि जो दो टेबल के बीच में आप रिलेशनशिप कर रहे हैं उसमें से एक में यूनिक होना चाहिए, ठीक है? जो दो रिलेशनशिप दोनों के बीच में आप जो कर रहे हैं उसमें से एक जो है यूनिक होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए ना कि सेल्स के अंदर में आपका कस्टमर आईडी कई बार रिपीटेड है लेकिन कस्टमर में हमारा कस्टमर आईडी यूनिक है, तो ऐसे होना चाहिए वरना आपका नहीं लगेगा। और यहां पे ओके करते हैं। सर एक बार दोबारा बताना। हमने आपको बोला कि दो रिलेशनशिप जो दो के बीच में लगा, जैसे कि कस्टमर और यहाँ सेल्स है ना आपका, तो कस्टमर आपका सेल्स में आपके पास देखिए कस्टमर आईडी कई बार रिपीटेड है लेकिन ये आईडी कस्टमर में एक ही बार है, मतलब कि दो दो टेबल के बीच में जिस एक यूनिक आईडी से लॉक कर रहे हो, जैसे वी लुकअप लगाते हो ना तो लुकअप वैल्यू करते हो और टेबल एरिया करते हो, तो एक आपके जहां लगा रहे हो वहां पे और जहां से आ रहा है वह दोनों के बीच में एक आईडी होगा ना, तो दोनों में से किसी एक में यूनिक होना चाहिए, जैसे कि यहां पे यूनिक है तो रिलेशन लगेगा अदरवाइज रिलेशन नहीं लगेगा। समझ में आया? हेलो, समझ में आया कि नहीं? यानी सीआईडी और आईडी इट मीन सेम है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आ गया सर, यहाँ पे मेरा सिटी बाई क्वांटिटी आ गया, अगर मैं सिटी यहाँ पे नेम रखूँ तो नेम बाई आ गया, क्या सर हमें मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, तो इंदर बाई। सर कैन यू हेयर मी? हाँ सुन रहा हूँ मैं, हाँ, मैं ये कहता कि सीआईडी और आईडी जो है वो इट मीन सेम हुआ ना, एक ही चीज है ना, वो हाँ दोनों जगह पर यूनिक है ना वो। नहीं यूनिक नहीं है, मतलब एक पे रिपीटेड है और एक पे यूनिक है, सिंपल सी बात समझिए ना कि हमें क्या करना था कि यहाँ पे वी लुकअप लगा के इसका नेम लाना था, मैं समझ गया सर। अगर वी लुकअप का ही है ना, तो अगर वी लुकअप हाँ तो मिला के वी उसके लुकअप हमने, क्राइटेरिया सेम आ जाएगा ना। हाँ तो वी लुकअप नाम लगा के हमने पिवट टेबल में रिलेशन लगा दिया, पिवट टेबल के अंदर ही वी लुकअप लगाया है, आसानी होगी ना हमारे लिए। लिंक्ड हो गया कि कल के डेट में यहाँ अगर चेंज होता है चाहे यहाँ पे चेंज होता है सेल्स में चेंज होता है तो अपने आप अपडेट कर लेगा रिफ्रेश करते ही, हमें वापस वी लुकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो इसमें एक चीज हो गई, पर यहाँ पे ये चाहेंगे आप कि कैलकुलेशन कर दें तो आप पिवट में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना तो फिल आइटम सेट में कैलकुलेटर आइटम दिख रहा है आपको डिसेबल है। दूसरा कि हमें दो शीट थे तो दोनों बार हमें पिवट लगाना पड़ा, क्यों? हमें डेटा मॉडल में ऐड करने के लिए ताकि रिलेशनशिप उसको एक्टिवेट माने कि आइडेंटिफाई कर सके। क्या अब ये एक छोटी सी दिक्कत थी कि अगर मेरे पास अगर 5-7 टेबल होगा तो हमें 5-7 बार पिवट टेबल बनाना लगाना पड़ेगा क्या?
हेलो, तो उसका सोल्यूशन करो, तो उसका सोल्यूशन है आपका पावर पिवट। उसका सोल्यूशन है पावर पिवट। तो आप मेरे सिस्टम में आप देख रहे हैं पावर पिवट का टाइप, लेकिन आपके ये इसमें आपके सिस्टम में ये पावर पिवट का टाइप नहीं होगा, ये पावर पिवट का टैप लाना पड़ता है, समझे? तो कैसे लाएंगे? तो इसके लिए हम जाएंगे फाइल में और जाएंगे हम ऑप्शन में, उसके बाद हम आएंगे एडिंग्स, जिसके जिसके सिस्टम में नहीं है उनके लिए है, ठीक है? तो यहां पे आपको एक्सेल एडिंग्स दिख रहा होगा, इसके जगह पे मैं कर दूंगा कॉम एडिंग्स, मैं कंप्यूटर एडिंग्स और ओके करूंगा, और यहां पे आपको दिख रहा होगा एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फोर एक्सेल। इस पे टिक का निशान लगा के ओके कीजिए, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का टाइम लेगा और फिर आपके पास पावर पिवट का नया ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है सर? तो अब पावर पिवट का ऑप्शन हमारे पास, मुझे बार बार पिवट लगाने की जरूरत नहीं, मैं इसको डिलीट कर दूं। अब मुझे तीन के बीच में रिलेशनशिप करना है, तो मैं सबसे पहले यहां मैनेज पे क्लिक करूंगा, तो मैनेज पे क्लिक करते ही हमारा पावर पिवट क्यूरी एडिटर खुल के आ जाएगा, पावर पिवट क्यूरी एडिटर क्या आ गया इसमें, देखिए रेंज रेंज वन पहले से एडेड है, क्योंकि हमने ऐड किया था, तो जो हम ऐड करते थे वो ऐड यही होता था, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं ताकि इजिली आइडेंटिफाई कर सकूं सेल्स, और मैं यहां पे कर दूंगा, यहां पे कर दूंगा और तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है, चलिए हम उसको प्रोडक्ट को लेते हैं प्रोडक्ट, और यहां हम यहां दिख रहा होगा एड डेटा टू डेटा मॉडल, इस पे क्लिक करते हैं, और ध्यान रखिएगा कि माय डेटा हैज हिडन पे क्लिक हो, कभी कभी नहीं होता है क्लिक, लेकिन इसको क्लिक कर दीजिए एंड ओके कीजिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सीट वन टेबल वन करके आ गया, तो इसको भी मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट, PRO कर देता हूँ सर। तो तीनों हमारे पास हो गया, लेकिन इन तीनों के बीच में रिलेशन नहीं है, या एक के बीच में नहीं, रिलेशन कैसे क्रिएट करेंगे? तो रिलेशन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा डायग्राम व्यू, मतलब कि आपके होम मेनू बार में देखेंगे तो यहाँ आपको डेटा व्यू, डायग्राम व्यू, हिडन व्यू, कैलकुलेटेड एरिया सब दिखेगा आपको, तो आपको क्या करना है, डायग्राम व्यू पे जाना है। जैसे आप डायग्राम व्यू पे आए तो जो दो रिलेशन था वो रिलेशन आपके सामने दिख रहा है, तो अब चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो तो हट जाएगा, डिलीट रिलेशनशिप हट जाएगा। अब मैं अगर रिलेशनशिप करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, जिसके जिस फील्ड को करना है उस फील्ड एक आप एक काम कीजिए, एक मेन टेबल ले लीजिए जो सबसे रिलेट होगा, तो हमने यहाँ पे रख दिया। तो अब मैंने क्या किया, हमने बोला कि मेरा जो SID है, सॉरी सॉरी CID है, वो CID लिंक्ड होगा कस्टमर की ID से,
बस होल्ड करके छोड़ के सही। ऊपर क्वेरी उठाना, जैसे हम MS Excel और SQL में करते हैं, हमने छोड़ दिया। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट हो गया। अगर ऐसा तीसरा चौथा पांचवा होगा तो ऐसे आप रिलेशन करते चले जाइएगा, ठीक है। अब वापस हम डेटा व्यू में आते हैं। अब इसमें हम जो है कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के लिए मुझे प्रोडक्ट की क्वांटिटी या मुझे इसकी MRP चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे एक यहाँ पे MRP का कॉलम बनाता हूँ, एंटर मार दिया, कॉलन बन गया। अब मुझे इस पे कॉल करना, तो यहां पे वी लुकअप नहीं चलता, यहां पे रिलेटेड चलता है फंक्शन, वी लुकअप की जैसा ही है। तो रिलेटेड में हमने बोला कि मुझे कस्ट प्रोडक्ट की MRP चाहिए, तो प्रोडक्ट की MRP को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर मार दिया। एंटर मारते देखेंगे कि प्रोडक्ट जो MRP थी वो प्रोडक्ट सील से यहां पे कॉल होगी, जैसे वी लुकअप में होती है। तो रिलेटेड के जरिए किसी भी फीचर को कॉल कर सकते, क्योंकि यहां पे हमें मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए होगा, या फिर आप मैं डायरेक्ट जो है यहां पे MRP ना करके मैं यहां पे सीधे कर देता हूं अमाउंट, ठीक है। और हमें MRP का मल्टीप्लाई, यहां से MRP का मल्टीप्लाई बाय हम यहां पे QTY क्वांटिटी कर देते हैं, सिंपल एंटर मारते हैं। यहां पे देखेंगे कि अब पूरे कॉलर में आपका यह फंक्शन अप्लाई हो गया, ठीक है। अब अमाउंट निकल गया तो हमें टैक्स भी चाहिए होगा, तो यहां पे हमने टैक्स को निकाला। टैक्स में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी कैलकुलेशंस करनी है एक कैलकुलेशन आप यहां पे कर सकते हो। तो जैसे कि यहां पे हमने कैलकुलेशन में आपको यहां पे कर दिया, टैक्स में मैं बोला कि अमाउंट जो है हमारा अमाउंट का 18% होना चाहिए, 18% हमने किया, हमारा टैक्स आ गया। एक परसेंटेज का सिंबल नहीं लेता है, लेता था 18% का सिंबल, अच्छा नहीं लेता, कि यहाँ पे 0.1, ठीक है। तो यहां पे हमारा टैक्स निकल गया। अब यहां पे देखिए, अभी क्या इसमें सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन ही कर सकते हैं? जरूर नहीं, आप वर्कशीट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए टैक्स जो आया है, टैक्स के बाद यहां जो हम मान लीजिए टोटल अमाउंट हम ऐड करना चाहते हैं, तो वो टैक्स जब जुड़ेगा तो डेसिमल में होगा। मैं डेसिमल में नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि राउंड होके हो, तो आप इसमें कर सकते हैं कि हमने बोला कि अमाउंट प्लस हमने यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लगा दिया, और राउंड के फॉर्मूले में हमने टैक्स को लिया, और यहाँ 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 पे हमने कॉमा 0 कर दिया। देखिए राउंड हो गया, ठीक है। ऐसे और भी फॉर्मूले, जैसे कि यहां पर डेट है, लेकिन हमें क्या है कि मंथली चाहिए रिपोर्ट, हम लोग ग्रुप करते हैं, लेकिन सम केसेस में ग्रुप नहीं होता है, याद होगा ग्रुप बताया था पेपर टेबल में, सम केसेस में हमारा जी ग्रुप नहीं होता है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे हम करते हैं कि मंथ का कॉलम हम डालते हैं, और यहां पे हम मंथ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मंथ। अब यहां पे मंथ है, यहां पे नेक्स्ट मंथ, देखिए मंथ बहुत सारे, यहां पे एंड ऑफ मंथ आ गया, ईओ मंथ हो गया, उसके बाद मंथ है, नेक्स्ट मंथ हो गया, ओपनिंग मंथ हो गया, स्टार्ट ऑफ मंथ हो गया। देखिए यहाँ पे मंथ नेम है क्या? नहीं, मंथ नेम नहीं है, डेट नेम नहीं, लास्ट डेट हो गया। मैं सोचा जैन फैब में आ जाता, लेकिन नहीं है,
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मंथ का एम लगाता हूँ, मंथ, और हम इसको सेलेक्ट करते हैं डेट को, डेट, तो हमारा मंथ का नवंबर में आ जाएगा। लेकिन आप चाहते कि नहीं जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से आया क्या, तो मंथ के जगह पे हम यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या है इसमें देखता हूँ, टेक्स्ट का फॉर्मूला, नहीं टेक्स्ट इज टेक्स्ट इज नॉन टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्मूला नहीं है, कौन का नेक्स्ट है, कैलकुलेट एक्सप्रेशन ऑफ द ईच रो एंड फॉर्मेट है, हाँ फॉर्मेट, तो इसमें हम सिलेक्ट करते हैं कॉमा, हमें MMM तीन बार M दे दिया और इसको हमने क्लोज कर दिया, आ गया क्या सर? जी सर। ये सब करने के बाद अगर आपका कैलकुलेशन आपका डेटा फाइनल हो जाए तो आप क्या करेंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करते वापस ये एक्सेल पे आ जाएगा, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट एज पर योर चूज आप इसको ओके कर दीजिए, आपका नया वर्कशीट में पिवट टेबल लग गया जो कि तीन डिफरेंट डिफरेंट पिवट टेबल से आपका कनेक्टेड है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम रख दिया, यहाँ पे मैं रिपोर्ट चाहिए नेम वाइज एंड मुझे चाहिए इसमें प्रोडक्ट वाइज, और क्या चाहिए इसमें, मुझे इसमें टोटल रेवेन्यू चाहिए विथ टैक्स, और मैं स्लाइसर लगाना चाहता हूँ, मैं पिवट एनालाइज पे जाता हूँ, स्लाइसर्स लगाना चाहता हूँ किसमें, तो मुझे चाहिए नेम तो है यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो हमें चाहिए सिटी वाइज, हमें चाहिए हमारा मंथ वाइज, ठीक है, ये हमारा लग गया तीन अलग अलग टेबल से। समझ गए? क्लियर सर? ये आपका रिपोर्ट बन गया, तो पिवट टेबल पावर लगा लेंगे सर, इसमें स्लाइसर को लिंक नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से, मंथ और सिटी को एक दूसरे से लिंक नहीं करना पड़ेगा? नहीं, स्लाइसर ऑलरेडी डेटा ऑलरेडी लिंक है ना हमारा, हर चीज के लिए लिंक तो नहीं करना है। अच्छा, जैसे हम पहले पिवट में करते थे, अगर दो पिवट टेबल से अगर स्लाइसर लगाया हमने तो वहां पे उसको लिंक करते थे, वो तो अलग चीज हो गई, उधर पिवट था, यहाँ पे तो आपका ये है ना, क्या बोलते हैं है ना, डेटा लिंक्ड है ना यहाँ पे, ओके, यहाँ तो पिवट एक ही है ना, यहाँ भी दो पिवट लगेगा तो हमें करना पड़ेगा, ओके ओके ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें हम बात करेंगे अगली एक और टॉपिक की, थोड़ा सा ये आगे की टॉपिक है, फिर भी मैं आप बात करेंगे हम डेटा पीछे पावर क्यूरी की, ये तो आपने पावर पिवट को देखा, अब बात करते हैं हम पावर क्यूरी एंड एसक्यूएल क्यूरी को, राइट, तो पहले हम इसको बंद करते हैं, वो भी पिवट टेबल से ही रिलेट करती है, यहां पर मैं बॉन्ड सेव कर देता हूं, मैं एक नया एक्सेल खोलता हूं। अब बात करते हैं कि मुझे अगर मेरे पास दो डेटा है, मतलब कि दो डेटा है बट एक डेटा एक ही है बट डेटा टुकड़ों में है, जैसे कि आपके मंथली डेटा है जो 12 महीने की है और वो अलग अलग शीट या अलग अलग फाइल पे है, समझे,
मैं आपको दोनों दिखाता हूं, चलिए उसमें कैसे पिवट लगाएंगे। जैसे मेरे पास डेटा जो है यहां पे, मान लीजिए ये हमारा टीम वन का डेटा है, और टीम वन का डेटा में है क्या, तो यहां पे हम नेम दे देते हैं और यहां पे हम मंथ दे देते हैं। और हमारे पास एक टीम टू का डेटा है, इसमें हमारा अलग अलग डेटा है। ध्यान रखिए दोनों के बीच में हेडिंग एक होना चाहिए, हेडिंग में दिक्कत हुआ दिक्कत हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों के बीच में पिवट लगाना है, समझे, हमें इन दोनों के बीच में पिवट लगाना है। बोले सर क्या है, लगा लीजिए, बट क्या है कि दोनों डेटा अलग अलग है और दोनों के बीच में रिलेशन होता तो हम रिलेशनशिप पिवट या पावर पिवट लगा कर लगते ना सर, बट इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, दोनों डेटा एक ही तरह का डेटा है। अगर मुझे पिवट लगानी होगी तो मैं एक सीट पे दोनों को एक के नीचे एक डालूंगा और ये मानूंगा, मतलब अधूरा डेटा है, आधा इधर है आधा उधर है, और फिर मैं पिवट लगाऊंगा, समझे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझ में आया सर, हाँ जी, हाँ जी सर, प्रॉब्लम समझ में आया, हाँ जी हाँ जी, बहुत समझ में आया। जैसे कि आपके पास एक ही डेटा है डिफरेंट जगह पर है ना, अधूरा अधूरा है। हाँ, देखिए 12 फाइल, मतलब आपको आपके पास जो है कि मंथली फाइल आते हैं तो 12 फाइल है, या एक ही सीट में 12 सीट है, एक फोल्डर में 12 फाइल है, और आपको पिवट लगाना है, ईयरली पिवट लगाना है, तो पहले आपको 12 फाइल को या 12 सीट के डेटा को कुलेट करना पड़ेगा ना, एक के नीचे एक के नीचे, उसके बाद आपको पिवट बनाना होगा। तो यहां पे आपको मदद करता है पावर क्यूरी। हम लगाएंगे दो तरीके से लगा सकते, पहला हमारा आता है क्यूरी, तो इसके लिए मुझे डेटा मेनू बार में जाना होगा। अब यहां पे हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, जैसे हम पावर बीआई पे करते हैं ना उस तरह से, और यहां पे हम फ्रॉम फाइल में, हम वर्कबुक में इसी फाइल पीपीक्यू है ना, इसी फाइल को लेते हैं, तो इसी फाइल को हमने ले लिया, और हमने क्या किया, यहां पे अपने लोकेशन पे जाता हूं, डेस्कटॉप पे, इस पे पीपीक्यू, सर 12 फाइल को दोबारा को लेना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन किसी एक को लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर किसी एक को बेस बनाना पड़ेगा। हाँ, मतलब कि आपको एक जैसे कि फर्स्ट टाइम आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर लिंक हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम डेटा अपडेट होगा तो ऑटोमेटिक बनते चला जाएगा। अच्छा, सही सही, ठीक है। या दूसरा सलूशन, अगर ये मान लो कि सर, अगर जैसे मान लो कि मेरा जो मंथ वाइज ये है वो सारा एक ही सीट में है, एक ही 12 सीट बना, एक ही वर्कबुक में है, सॉरी। हाँ, तो सीट जैसे मेरे पास टीम वन है बोल रहे ना आप,
हाँ जी, तो हाँ तो विन मुझे एक ही सेलेक्ट करना तो पड़ेगा ना फिर। हाँ एक ही वन बाय वन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उस इसको अच्छा हो गया, इसके बाद उसके बाद यहाँ पे आप लोड एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आपके पास देखिए पावर क्वेरी एडिटर खुल के आ गया, आ गया। अब इसमें कोई कॉलम वगैरह ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टोटल वगैरह कॉलम, इसको तो यहाँ ऐड कॉलम दिख रहा। तो दोबारा बता देंगे, जो अभी आपने ये जो पावर क्वेरी खोला है इसको तो दोबारा बता देंगे। बता रहा हूँ, मैं स्कैप कर देता हूँ, प्लीज म्यूट कर रहे हैं, किसी के बैकग्राउंड से सॉरी। म्यूजिक आ रहा है। हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहां पे डेटा मेनू बार में गया, गेट डेटा पे गया, ठीक है। गेट डेटा पे आने के बाद यहां पे दिख रहा है आपको फ्रॉम फाइल, इस फ्रॉम फाइल में गया और हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक को सिलेक्ट कर लिया और अपने लोकेशन पे गया जहां पे मेरा फाइल था, उस लोकेशन पे गया और हमने उस फाइल को ले लिया जो फाइल था हमारा इंपोर्ट। उसके बाद आपको एक लिस्ट आएगा जिसमें जितने फाइल्स हैं उस फाइल का लिस्ट आपको दिखेगा, इस फाइल का यहाँ पे लिस्ट आपको दिख गया। अब मैं इसको लोड नहीं करूंगा, लोड करूंगा तो सेम डेटा यहाँ पे आ जाएगा, मुझे लोड एंड ट्रांसफॉर्म करना है। लोड एंड ट्रांसफॉर्म पे आएंगे तो आपको पावर क्वेरी एडिटर खुल के आ जाएगा। अब इसमें आपको कॉलम वगैरह ऐड करना है तो ऐड कॉलम में जाके मैं फिर फॉर्मूला वगैरह लगा सकता हूँ, तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं, हम वापस होम पे आते हैं एंड लोड एंड क्लोज पे क्लिक करते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन आएगा कि आपको टेबल चाहिए, पिवट टेबल चाहिए, लेकिन क्या है? अभी तो हमें जिस कनेक्शन चाहिए, मैं पिवट टेबल तो दोनों सीट पे चाहिए, अभी तो मेरे पास एक ही सीट आया है, तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं ओनली क्रिएट कनेक्शन, ठीक है, एंड इसको मैंने ओके कर दिया। तो यहां पे एक टीम वर्ल्ड की कलेक्शन हो गई। अब मैं दोबारा उसी चीज को फॉलो करूंगा फ्रॉम फाइल और फिर वापस मैं पीपीक्यू पे जाता हूं, इसी फाइल सेम फाइल पे, या अलग फाइल है तो अलग फाइल पे इंपोर्ट पे क्लिक करता हूं, तो आपको वही प्रोसीजर दोबारा से दोहराना है हमारा टीम टू के लिए, एंड क्लोज, उसके बाद पावर क्वेरी एडिटर खुल के आ जाएगा। और यहां पे हम क्या करेंगे, लोड एंड क्लोज टूल पे जाएंगे और यहां पे ओनली क्रिएट कनेक्शंस। तो मेरे पास दो डेटाबेस कनेक्शंस हो गए हैं, पहला वन एंड दूसरा वन, लेकिन मुझे तो इन दोनों को चाहिए ना। तो यहां आप आएंगे गेट डेटा में तो नीचे आपको दिखेगा लॉन्च क्वेरी एडिटर या कंबाइन क्वेरी, हम कंबाइन क्वेरी में आते हैं। तो एक होता है मर्ज, मतलब कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप, जिससे पहले हमने जो किया था याद होगा इनर ज्वाइन क्वेरी लगा देगा, इससे पहले जो हमने पावर पिवट पे किया था वो मर्ज क्वेरी करता है, लेकिन मुझे यहां अपेंड क्वेरी मतलब एक के नीचे एक करना है, तो मैं यहां पे अपेंड क्वेरी पे क्लिक करूंगा। तो अपेंड क्वेरी में आपके टू टेबल्स, थ्री एंड मोर टेबल्स, तो आप अपने हिसाब से शुरू करोगे। अगर पर दो टेबल है तो टू टेबल पे सिलेक्ट करो, थ्री एंड मोर टेबल है तो ये आपका थ्री एंड मोर टेबल पे आ जाएगा। उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया एड और फिर इसके नीचे सिलेक्ट कर दिया एड, किसके नीचे क्या होगा और आप डाल दीजिए, ठीक है, एंड मैंने ओके किया। उसके बाद वापस आपको पावर क्वेरी एडिटर खुल के आएगा और यहां पे आपका अपेंड है और आपको यहां पे पूरा डेटा दिखेगा, जो पूरा डेटा आपको दिख रहा है अपेंड हो गया। अब यहां पे मैं लोड एंड क्लोज टू पे जाऊंगा एंड मैं पिवट टेबल या पिवट टेबल रिपोर्ट जो भी है लगा के ओके कर देता हूं। तो मेरे पास दो टेबल में डेटा है, अगर मैंने यहां पे नेम रखा और मैंने जनवरी का टोटल किया
तो ये देखिए 442 है, 442 टीम वन के भी टीम टू के भी। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या आपका रिपोर्ट सही आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है 39 था और टोटल डेटा आपका 78 था। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ डेटा दिख जाएगा, है ना सर, वेरीफाई हो गया। समझ में आया सर? जी सर, लेकिन जैसे कि आपने बोला कि अगर ज्यादा टेबल होगा तो हर बार इस प्रोसीजर को फॉलो करना थोड़ा सा टफ होगा ना, तो थोड़ा सा आसान मैं जी कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, हम डेटा में जाएंगे और हम गेट डेटा पे ही हमारे पास अदर सोर्सेज दिख रहा होगा। अदर सोर्सेज में हमारे पास यहां दिखेगा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, क्या दिखेगा, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, राइट। अब इसमें एक चीज और भी है, यहां पे एक चीज और है आपके, मैं इसमें दो चीज बताता हूं। पहले मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन कर देता हूं, फिर दूसरी चीज बताऊंगा। एक्सेल फाइल में आऊंगा, ओके करूंगा और यहां पे आप अपने देखिए ड्राइव में जाएं और अपने फाइल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो हमारा फाइल है पीपीक्यू, तो पीपीक्यू पे आता हूं मैं, ये रहा, एंड ओके करता हूं। जब फर्स्ट टाइम आप लगाएंगे ना तो यहां पे एक एरर देगा और ब्लैंक होगा, ध्यान रखिएगा सर इसका। तो उसके लिए आपको ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे व्यू सिस्टम टेबल होगा, सिस्टम टेबल दिख रहा होगा ना, अनचेक्ड होगा। ये अनचेक्ड हुआ तो आपको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, तो आपको यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना, आपको एक ही बार करना है क्लिक, उसके बाद जो भी आप जब भी आप लगाएंगे आपको नहीं मिलेगा, जैसे मुझे नहीं मिला, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें एक फायदा भी कि आप इसमें जिस कोई अगर कॉलम नहीं चाहते हो तो कॉलम आप नहीं ले सकते हो। जैसे मुझे मान लीजिए जनवरी का ही चाहिए तो जनवरी कर सकते हो, या पूरा चाहिए तो जो जितना चाहिए उतने ही फील्ड आप यहां रख सकते हैं, ठीक है। एक ही रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप दूसरा भी यहां पे कर देंगे तो फिर दूसरा दूसरा भी कर सकते हैं। यहां पे हमने दूसरा भी कर दिया, लेकिन दूसरा करने पे मुझे लग रहा है दिक्कत, देख लेते हो, हाँ दिक्कत है ना यार सर, आपको दो टेबल, तो यहां पे आप देखेंगे कि आपका, हाँ यहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये एक ही साथ कंबाइन कर दिया दोनों को, कॉलम वाइज कंबाइन कर दिया। तो कॉलम वाइज कंबाइन करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम सिक्वल, यहाँ पे देखिए सिक्वल क्वेरी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लग रहा है रिमूव हो गया, कैंसिल करता हूँ, मैं दोबारा से करता हूँ, जाइए, गलती से मैंने क्लोज पे क्लिक कर दिया, से डिलीट हो गया। गेट डेटा फॉर्म अदर सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, एक्सेल पे सिलेक्ट किया ओके, और मैंने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट किया एंड ओके किया। इसमें हमने एक टेबल को लिया और नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम कुछ फिल्ट्रेशन चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे व्यू डेटा इन एडिट इन माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एंड फ्रीज, ये आपको अलग माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी खुल के चलाया। अब यहाँ पे एसक्यूएल कमांड हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए किया हुआ है, तो आप एसक्यूएल कमांड इस पे लिख सकते हैं। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, इसको लेते ना, यहाँ पे दोनों साइड में लाना पड़ता है कि सिलेक्ट फ्रॉम टीम वन और टीम वन, यहाँ पे सीट नेम दो बार लिखना पड़ेगा। तो इसी चीज को यहां से हम कॉपी करते हैं और यहां पे हम पेस्ट करेंगे, लेकिन एक कमांड डालेंगे जो इक्वल का होता है, क्या होगा, यूनियन ऑल, और यहां पेस्ट कर दिया। अब यहां पे सीट वन को हम सीट टू कर देंगे, यहां पे आसानी रहेगी आपको, बस यहां पे आपको सीट नेम चेंज करने या फाइल नेम चेंज करने, समझ गए। अब फाइल नेम तो है नहीं, तो फाइल नेम नहीं है तो इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं, फाइल नेम कैसे आएगा।
इसको मैंने ओके कर दिया, तीन होगा ना, तीसरा यूनियन और फिर पीएस यूनियन और फिर पीएस यूनियन और फिर पीएस और सीट नेम चेंज करते चले जाएगा। ओके करें, देखिए आपका डेटा यहां हो गया। अब इसको यहां से आप क्या करें, रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सर यहाँ पर अगर वेरियस सीट्स होंगे तो सारे हो जाएंगे ना, हाँ, पे तो कमांड देना पड़ेगा ना। बस आपको इसमें एक ही सवाल था, एक क्वेरी थी कि अगर डेटा डिफरेंट डेटा हो तो वो नहीं करेगा ना, आपने कहा बिल्कुल एग्जैक्ट एक होना चाहिए। डिफरेंट डेटा समझा नहीं, मतलब एक एक जैसे वहां पर आपके कॉलम्स और रोज सारे, मतलब कॉलम सारे रोज की मतलब नहीं, कॉलम एक जैसे होने चाहिए तभी तो एक के नीचे पेस्ट। नहीं नहीं रोज नहीं, रोज नहीं सिर्फ कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो जैसा जनवरी के डेटा ही जनवरी के नीचे, सुनिए सुनिए बताता हूँ आपको, जनवरी के डेटा ही जनवरी के नीचे पेस्ट करेगा ना, मान लीजिए जून तक जुलाई आ गया, अब जुलाई का कोई कॉलम होगा नहीं तो पेस्ट करेगा, अब मैनुअल भी तो नहीं कर पाएंगे क्या? क्या होगा ऐसे टेबल रिपोर्ट। देखिए इसमें फाइल का नेम नहीं आया ना, फाइल नेम कैसे लगाएंगे, क्योंकि सीट था फाइल नेम पे कैसे लगाएंगे, तो मैं पहले से जितने शीट से इसको डिलीट कर देता हूं। तो फाइल लगाने के लिए एक काम करना होगा आपको, एक सिंपल सा बता देता हूँ क्या होगा, पहले मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ लोअर वर्जन में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 95 ऐसे सैंपल कर देना ताकि उसका क्यूरी का तरीका आपके सामने आ जाए। मैं यहाँ पे कर देता है फाइल पी क्यूरी, मैं इस फाइल को मैं यहां से किसी, अभी जरूरी नहीं किसी फाइल पे, मैं किसी भी फाइल पे कर सकता हूं, ठीक है ना। एक काम करता हूं मैं दूसरे फाइल पे ही करता हूं, एक नया फाइल पे, यहां पे यहां हम आते हैं डेटा और फ्रॉम अदर सोर्सेस माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एक्सेल क्यूरी एंड ओके। और यहां पे मैंने फाइल पी क्यू के नाम से बनाया हुआ है फाइल, इसमें अच्छा ये डॉक्यूमेंट खोल दिया ना, पर मुझे यूजर डेल और इसमें मुझे जाना है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप न्यू फोल्डर, अब आएगा मेरा फाइल पी क्यू आ गया था। ओके टेबल वन को लेता हूँ, यस ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एडिट क्यूरी एडिटर निश। अब इस एसक्यूएल पे देखिए यह पूरा पाथ है, तो आप ऐसे लिख दें या फिर आप एक बार इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा सर, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एसक्यूएल क्यूरी है सर, ठीक है। सर के स्टार में ऐसे लगा देता हूं, अगर नहीं लगाऊंगा तो मुझे पूरे कॉलम नीचे लिखने पड़ेंगे, स्टार मतलब होता है ऑल, समझे, तो ऐसा नहीं कि स्टार लगाना ही है। अब यहां पे मैं अगर डिफरेंट फाइल हुआ तो मैं फाइल नेम चेंज कर दूंगा, एक्सटेंशन चेंज कर दूंगा, समझे, यहां पे कुछ भी एक्सटेंशन आप दे सकते हो जो आपके एक्सेल के एक्सटेंशन है, एक्सएलएस एक्स हो गया, एक्सएलएस एम हो गया, एक्सएलएस एल हो गया, नहीं बी एक्सएलएस बी बाइनरी एल तो नहीं होता है, ठीक है। सिंह जी हेलो सर, हाँ जी सर, मैं आया ना सर, हाँ जी सर, कुछ चीजें समझ में, कुछ चीजें समझ में नहीं आई है मुझे, तो वो तो एकदम वीडियो देखूंगा मैं।
एसक्यूएल क्वेरी वाले पार्ट थोड़ा सा मुझे आई एम स्ट्रगलिंग ये। ठीक है देखिए आ गया, और यहाँ पे रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी किया तो ये आपका रिटर्न हो गया। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अभी जो हमने पिवट लगाया, आप देख रहे हैं पिवट लगाया, पूरा पिवट आया, बट मुझे क्या करना है कि मैं फिल्टर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा पिवट तीन दो या तीन लोगों पे जाने, मतलब पूजा मोहन एंड इंद्र होना चाहिए, ये ऐसी पूजा का पिवट लगना चाहिए, क्योंकि यहां पे तो टोटल आ गया तो हम यहां भी तो स्लाइस वगैरह लगा सकते हैं ना, समझे, बट मैं यहां स्लाइसर वगैरह नहीं लगाना चाहता तो कैसे होगा क्या? तो मैं माइक्रोसॉफ्ट में जाता हूं, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं सीट वन को, तो मैं यहां पे वापस आता हूं माइक्रोसॉफ्ट में, और यहाँ पे मैं अदर क्यूरी वाला पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको फ्रॉम फाइव वाला समझा दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, माइक्रोसॉफ्ट पावर क्यूरी समझाऊंगा, इस पहले माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में समझा देता हूँ, दोनों डिफरेंस है, ठीक है ना, पावर क्यूरी एंड माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, पावर क्यूरी में एसक्यूएल क्यूरी नहीं होती है, लेकिन इसमें एसक्यूएल क्यूरी होती है, एक्सेल फाइल एंड ओके, और यहाँ पे हमने फिर डॉक्यूमेंट आ गया, हाँ मुझे यहाँ पे जाना है डेल में डेस्कटॉप न्यू फोल्डर एंड यहाँ पे फाइल पी क्यूरी, इसी को ले लेते हैं फाइल पी क्यूरी ओके, तो मान लीजिए हम टीम वन को ही ले लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, मान लीजिए इन द, फिर हमने यहाँ पे दूसरा लगाया, यहाँ पे एंड के जगह पे और कर देता हूँ मैं, और हमने बोला कि इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे कविता, और फिर यहाँ पे और लगा दिया, और हमने बोला कि इक्वल टू होना चाहिए मोहन, तीन है और यहाँ और हो गया, ठीक है ना, और देना जरूरी है, ऐसे चौथा पांचवा जितना देना चाहो दे सकते हो, तीन ही दिया मैंने, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट रिटर्न टू पावर क्यूरी, क्यूरी पे हम चलते हैं, हालांकि जरूरी नहीं था मैं पिवट टेबल पर जा सकता, लेकिन यहाँ पे करना जरूरी था। अब मैं यहां पे एक फील्ड ऐड करता हूं, यहां पे मैं देता हूं टोटल फ्यू पैरामीटर एक्सपेक्टेड वन, यहां पे कॉलम ऐड तो कर सकते हैं, बट यहां पे फिल्टर एक मिनट, हाँ यहां फिल्टर लगा ही है टोटल, यहाँ पे कोई ऐसा इसमें से जो है वही ले सकता हूँ मैं, कोई और नहीं ले सकता, लेकिन मुझे तो एक नया फील्ड ऐड करना है क्या, तो एसक्यूएल पे मैं जाके एसक्यूएल की सलाह ले सकता हूँ, एसक्यूएल में यहाँ आप देखिए ये आपका ये तो नीचे का तो फॉर्म है ही, यहाँ पे हमारा इन सबों का टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ मैं पहले, हाँ कॉमा, मैं यहाँ पे सम दूंगा फॉर्मूला, लेता हूँ एसक्यूएल के लिए लेता है कि नहीं लेता है, टीम वन नेम और इनके बाद बाकी जितने भी फील्ड है इनका टोटल लेता हूं, टेस्ट क्लोज किया एज ए, यहाँ पे नहीं ले रहा है, और ये शाम वाला जो पार्ट है कोई मिसिंग है, देखो कुछ तो मिसिंग है इसमें,
एक सिंगल कोड शायद मिसिंग है। अब सही होना चाहिए इसको। इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट कॉलम एक्सप्रेशन, सम क्वांटिटी टोटल में एक ही वो इन्वर्टेड कॉमा एक लगेगा, ये डबल लगेगा उसमें, एक ही लगेगा एस टोटल में, अंदर एक ही लगा है ना, हाँ एस टोटल में। एक मिनट रुक जाओ, सामने तो नहीं लगना चाहिए सिंगल कोड। डॉलर लगा के देखता हूँ, वाला में सही नहीं चल रहा है। बाद में देख बता दूंगा, ठीक है, इसलिए दिक्कत होता था, इसलिए तो पावर थ्री आसान हो गया है सर। अब यहाँ पे कोई फील्ड तो हम रख सकते हैं, लेकिन कोई फील्ड यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं, फिल्टर लग गया है, आप फिल्टर भी कर सकते हैं। रिटर्न टू डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड ओके, आपने पिवट टेबल लगा दीजिए। एक फायदा तो हो गया हमारा पे, यहाँ पे कि मेरा फिल्टर्ड हो गया पिवट, ठीक है ना, कि अगर मैं यहाँ पे हम नेम रखूंगा तो यहाँ पे पूरा नेम नहीं आएगा, मंथ ही आएगा सिर्फ, और ये आपका पिवट का फिल्टर भी नहीं रहेगा, समझे। लेकिन अगर आप इसी चीज को आप माइक्रोसॉफ्ट से भी कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे आते हैं डेटा में, फ्रॉम फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और यहां पे मैं अपना फाइल लेता हूं, सॉरी महब कीजिए, मेरी बेटी आ गई है ऊपर ऑफिस में, इतनी सी चाहिए उसको, नया नया जुबान हुआ है ना सर, चिल्लाती बहुत है। एंड यहां पे इंपोर्ट, तो इसमें कौन सा टीम वन का डेटा चाहिए, आ गया। अब यहां पे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा करूंगा तो मेरा पावर क्वेरी खुल जाएगा, खुल गया। सबसे पहले तो मैं यहां पे कॉलम ऐड करके टोटल डालूंगा, तो यहां पे ऐड कॉलम, यहां पे कस्टम कॉलम, कस्टम कॉलम पे मैं यहां पे अपना नाम दे सकता हूं, जो नाम देना चाहूं, टोटल, और यहां पे अपना फॉर्मूला। तो हमने यहां पे जैन लिखा और यहां पे दिया प्लस, फिर मैंने फैब लिखा दिया प्लस, मार्च लिखा प्लस, मई प्लस, जून प्लस। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए इसमें हो गया हमारा जून तक हो गया। एंड यहां देखिए नो सिंटैक्स एरर, मतलब कि हमारा फॉर्मूला हर चीज सही है। देन ओके, तो एक नया कॉलम टोटल ऐड हो गया यहां पे। अब मैं फिल्टर लगाना चाहता हूं, तो यहां भी फिल्टर लगाना आसान है, तो मैं इंदर, कविता, अनमोल नहीं चाहता हूं, रिस्ट ऑफ बाकी चाहता हूं, या फिर कोई कैटेगरी है आपका तो दे सकते हैं आप यहां पे। देन ओके,
हो गया। उसके बाद मैं यहां से करता हूं लो, यहां पे लोड एंड क्लोज। तो इसमें डेटा आ गया, इसमें डेटा आ गया, वरना इसमें हम पिवट लगा सकते थे। ठीक है, लोड एंड क्लोज टू करना चाहिए था, तो पिवट टेबल का ऑप्शन आ गया। ठीक है, मैं वापस आता हूं लोड एंड क्लोज टू पे। लोड एंड क्लोज टू इसमें नहीं है कि लोड एंड क्लोज ऑलरेडी हो रखा है। ये समझ में आ गया सर, टोटल आ गया। तो पिवट आप लगा सकते हैं बाद में, आप लोड एंड क्लोज पिवट डायरेक्ट पिवट में आ जाता है, डेटा आ गया आपका ये पूरा। इसमें देखिए हमने जो सिलेक्ट किया था वो डेटा इसमें नहीं है, तो टोटल भी आ गया हमारा और डेटा भी आ गया। क्लियर है? हेलो। अब मुझे हाँ जी सर, मान लीजिए इसमें फिर और कोई नया डेटा चाहिए तो इसी पे डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे आप डेटा इसमें माना नया फिल्टर चेंज करना है, तो आप यहां से फिल्टर वापस अपने आप को चेंज कर देते, डबल क्लिक करके आपको चेंज करना है। ठीक है, क्लियर सर? हाँ सर, लेकिन प्रॉब्लम एक और है यहाँ पे कि ये तो प्रोग्रामर को मिल जाएगा तो कुछ भी चेंज कर सकता है ना। मैं ऐसा बनाना चाहता हूं कि जहां यहां पे मैं नेम लिखूं उसी का पिवट टेबल आना चाहिए। मैंने यहां पे पूजा लिख दिया तो फिर वो पूजा का ही पिवट टेबल आना चाहिए। तो हम स्लाइसर से ऐड नहीं करना चाहते, हम एक सीट पे लिंक देना चाहते, उससे करना चाहते, समझे? कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें अपना क्या बोलते हैं, डेटा में जाना होगा, गेट पिवट टेबल फ्रॉम फाइल नहीं, मुझे जाना होगा माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। ये काम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी से किया जा सकता है, एक्सेल फाइल एंड ओके। और इसमें हमने पीपीक्यू या पीक्यू जो भी हो, अच्छा ये डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हम फाइल पे गया एंड ओके। सीट वन को सेलेक्ट किया एंड ओके। नेक्स्ट, एक फिल्टर मैं नेम पे एक फिल्टर लगा दिया, इक्वल रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। हालांकि जो करने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे कुछ करना है इसलिए जा रहा हूँ। हमने जो क्यूरी लगाई थी ना सर, क्यूरी जो लगाई थी सम करने का, उसमें हम एक तरीका और अपना के हम देखते हैं। यहाँ पे हम करते हैं जनरल टैब ही लेता हूँ सिर्फ, बीच में जब कॉमा है इस कॉमा को हटा देता हूं, इसके जगह पे डालता हूं प्लस, देखता हूं दो फील्ड प्लस होते हैं कि नहीं होते है। समझ गया सर? हमें वहां पे सम फॉर्मूला लगा, सम फॉर्मूला का ग्रुप करने के लिए होता है, लेकिन आप यहां पे इनको आपस में टोटल करने के लिए सारा फिल लिख के प्लस का सिंबल देना होगा। मैं यहीं पे गलती कर रहा था, अब मैं अपनी गलती को सुधार लिया हूं। ठीक है सर एंड ओके। अब यहां रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करते हैं और यहां हम फिलहाल टेबल ही लेते हैं ताकि डेटा पता चल जाएगा आपको। अब मैं पूजा के साथ इसको लिंक करना चाहता, तो यहां पे आपको जाना होगा डेटा में कनेक्शन पे प्रॉपर्टीज, सॉरी इस पे, इसी पे डबल क्लिक कीजिए, यहां आपका प्रॉपर्टीज खुलेगा। इसी की डेफिनेशन में जाइए तो ये देखिए सिक्योर कोड जो आपने वहां लिखा था यहां मिल गया। अब जहां पे इंदर लिखा हुआ है इस इंदर को डिलीट कर देता हूं मैं। अब इसके जगह पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं,
ओके, पैरामीटर्स मतलब कि किस सेल से लिंक करना है, इन दोनों पे क्लिक कर लीजिए और सेल को सिलेक्ट कर दीजिए। अब पूजा का आ गया डेटा, मैं यहाँ पे इंदर डालूंगा तो इंदर आ जाएगा, मैं यहाँ पे मोहन डालूंगा तो मोहन आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, जी सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं नहीं सर, ये क्लियर है। इसमें आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि हमें पिवट टेबल लगाना तो है, लेकिन मुझे पिवट टेबल लगाना है किसी पर्टिकुलर ट्रिप पे, समझे, किसी पर्टिकुलर वेब पेज। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मैं कोई वेब पेज लेता हूं जिसमें मेरा कोई एक पर्टिकुलर डेटा, यहां पे मैं वर्ल्ड हाँ इसी के लिए हैं पर मोबाइल यूजर पॉपुलेशन, और ये मेरा विकिपीडिया का लिस्ट आ गया। मुझे इसी लिस्ट को जो दिख रहा है आपको, इसी लिस्ट को यूज करना है कहाँ, एक्शन में। तो मैं इस लिंक को कॉपी करता हूं और यहां मैं इंसर्ट पे आता हूं, पिवट टेबल पे नहीं, मैं जाऊंगा डेटा में, पिवट टेबल पे ऐसा नहीं होगा, फ्रॉम वेब, और यहां पे अपनी वेबसाइट का पाथ दे दीजिए एंड ओके कीजिए। फिर पूछेगा कनेक्ट या ऑल्सो कनेक्ट, उसके बाद इस वेबसाइट पे जितने भी टेबल है ना वो टेबल यहां पे आ जाएंगे, ठीक है ना। और कौन कौन से टेबल से लिंक हुआ, एचटीएमएल है, टेबल है, नल कर दिया, टेबल ही लेता है जो लिस्ट होगा, पूरा वेबसाइट का बॉडी डेटा नहीं लेता, टेबल डेटा लेता है ऐसे। अब इसको मैं ट्रांस ये लोड कर सकता हूं या फिर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा घर पे क्लिक कर दिया, तो ये आपको पावर क्यूरी एडिटर खुल के आ जाए, आ गया ना। अब यहां पे कुछ आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा, जैसे मान लीजिए इसमें ये मरा क्या है, डेट एलिवेशन करके आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं ऐड कॉलम पे जाता हूं, कस्टम, और मैं यहां पे ईयर देता हूं ईयर, और यहां पे मैं ईयर का फॉर्मूला लगाता हूं, ईयर एंड ईयर डेट ईयर, यहाँ डेट ईयर यहाँ लिख रहा हो, इसको लेते हैं और इसके अंदर हम देते हैं अपना दूसरा फील्ड है डेट ऑफ एमुलेशन, ठीक है, ये डेट हटा दीजिए, एक नई डेट इसमें, नो सिंटैक्स एरर बी डिटेक्टेड, नहीं बिकॉज पिछले डेट नहीं था तो ये नहीं लिया, तो चले रहने दीजिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, रिमूव। फिर आप वापस यहाँ होम पे आते हैं, रिटर्न टू, क्लोज टू पे क्लिक किया और पिवट टेबल लिख दिया। ठीक है,
क्लियर है? यस सर, सर एक क्वेरी थी हाँ पूछिए। सर। ये तो हमने डायरेक्ट वेबसाइट से लिया है, लेकिन हमको या गूगल ड्राइव या हमारा जो वन नॉट का वो वहां पे हमारा जो डेटा स्टोर है वो फाइल को यूज करनी है। मतलब कि आपका, आप चाहते हैं कि आपका डेटा पड़ा हुआ है ऑनलाइन, एक मिनट, गूगल ड्राइव पे ही सब पे ना? तो हाँ गूगल वन ड्राइव से तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सेल वन ड्राइव से कनेक्टेड होता है, तो वन ड्राइव से ले सकते हैं, इंपोर्ट कर हाँ सकते हैं डेटा। लेकिन गूगल ड्राइव का इसमें नहीं ऑप्शन है सर। सर, वन ड्राइव का किस तरह से लेंगे? वन ड्राइव का तो आप यहीं से इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए ना, यहाँ आपका एक्सपोर्ट हो गया। नहीं, एक मिनट, डेटा में ना, तो गेट डेटा, इसमें लेकिन ऑनलाइन सर्विस का सिर्फ फेसबुक क्यों आ रहा है? इसमें ऑनलाइन तो और भी चीज आता है। ओ जो, सॉरी सॉरी, आप फ्रॉम वर्कबुक पे क्लिक करें, ठीक है ना, और आपने वन ड्राइव का पाथ यहां डाल दें, ठीक ओके है? यार, लेकिन वन ड्राइव, क्योंकि साइन इन रहेंगे ना, मेरा साइन इन रहेंगे तो अपने आप हो जाएगा ओपन, या फिर फाइल ओपन करते हैं, दिख रहा है वन ड्राइव दिख रहा है, ओपन है ना, ठीक है ना? तो ये वन ड्राइव का जो पाथ है वो खत्म कर देते हैं, आ जाता है। लेकिन गूगल ओके सीट से नहीं होता है, गूगल सीट के लिए कोई और एडिंग्स डालना पड़ता है सर, डेटा को लाने के लिए। गूगल सीट से थोड़ा सा दिक्कत है, गूगल सीट से नहीं आता। हाँ लेकिन एक काम करता हूँ, मैं फ्रॉम वेब करके देखता हूँ कि एक मिनट, मैं फ्रॉम वेब पे गूगल ड्राइव का पाथ डाल के देखता हूँ। लेकिन गूगल ड्राइव का पाथ में, एक मिनट, मैं ड्राइव एक काम करके देखता हूँ। डीबीएन इसी को लेता हूँ, क्लिक गेट सेलेबल लिंक, निकल गया ना? गूगल ड्राइव मतलब कनेक्ट, नहीं आया डेटा, नहीं आया सर। डेटा हाँ डेटा नहीं है, नहीं ये व्यू रहा आगे। हाँ तो आता हो गया, लेकिन इस पे हम यहाँ से लोड पे क्लिक करते हैं। पता नहीं तो टाइम लेगा, दिक्कत हाँ बट पावर बीआई में ये सब चीजों में हम इजीली कर लेते हैं, पावर क्वेरी वगैरह में। तो आज हम आपकी पिवट की डेटा, पिवट की जो काम है, वो पिवट का काम हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। आज हमारा पिवट टेबल खत्म होता है। यहाँ पे बेसिकली जो है, दो बैचेज हैं, एक बैचेज है, तीन बैचेज इसमें, आज तीन बैचेज हम इसमें कंबाइन किए हुए हैं। एक तो मिस्टर बीर सिंह है, जिनकी ये बैच है पावर पिवट टेबल की। तो बीर सिंह जी, पिवट टेबल खत्म हो गई, अगली क्लासेस से हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, ओके ठीक है? और दूसरा क्लास जो है वो है ईशिव जी, निकिता जी एंड अजुल जी, उनका पिवट टेबल स्टार्ट हुआ था, दो क्लासेस हुई थी। तो निकिता जी, आपकी पिवट टेबल में एक एक या दो क्लास और रह जाती है, जैसे कि पिवट टेबल की कैलकुलेशन हो गए, पिवट पावर या आपका एक्सटर्नल पिवट टेबल हो गया, और स्लाइसर, तीन टॉपिक पिवट टेबल में रह जाएगा। तो वो हम आपको जो क्लासेस चलती है आपकी मंडे टू फ्राइडे में, वो हम करा देंगे। और अमित जी एंड जयदीप जी, आपकी जो बैच यस सर, पावर क्यूरी की बैच थी, पावर क्यूरी में भी मैं आपको एक्सेल वगैरह कराता हूँ, पिवट टेबल वो आपका खत्म हुआ। अब आपको कल से
आपके जो टाइम बैच टाइम है उसी टाइम में, टाइम है शाम के 7 बजे का, उसी टाइम में हम आपका पावर पावर पीआई हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके। और आदिल जी, आदिल जी जैदी सॉरी आदिल जी और निकिता जी अनिशित जी, अगर आप मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में फॉर्मूला एक में ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी टाइम पे सर, इसी टाइम पे। हाँ, ये आपको 8 से 8:30 के बीच में स्टार्ट होगा। थर्ड डे इसलिए थोड़ा सा 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है? मतलब टाइम अप्रोक्सीमेट यही होगा ना, अप्रोक्सीमेट यही होगा ना। हाँ यही होगा, यही होगा। Okay, bye, see you tomorrow. Okay. Okay, bye.